आज हम जो बात शुरू करेंगे वो पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। पहले चीज तो ये समझनी पड़ेगी कि क्रिटिकल एंगल की बात और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात, ये बात ही सिर्फ तब होगी जब लाइट डेंसर से रेयरर जाए। अगर लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही होगी तभी हम इस कंसेप्ट की बात करेंगे, रेयरर से डेंसर में हम इस कंसेप्ट की बात नहीं करें। अब कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए ये एक डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है, ये एक रेयरर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर। चलेगा जी? बिल्कुल चलेगा। और लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयरर जा रही है। तो मान लो लाइट ऐसे जा रही थी, ये किधर जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। अब मान लो मेरा मन किया, मैंने कहा वो एक काम करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं। तो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, यानी कि लाइट और दूर चली जाएगी। फिर मैंने किया, यार अभी मजा नहीं आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाता हूँ। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ गया, लाइट और दूर चली गई नॉर्मल से। मैंने कहा यार अभी भी मजा नहीं आया, अब एक काम करता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाता हूं। और मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया कि अब लाइट जो बाउंड्री उन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही थी उसी बाउंड्री के अलोंग चली गई। यानी कि सिंपल भाषा में अगर बोल दिया जाए तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो गया है। समझ आती है बात? अगर ऐसा होता है तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ऐसा हो रहा था, यही था ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे ऐसा हो रहा था, यही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है थीटा सी या सिंपली सी, क्रिटिकल एंगल। यानी कि क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या हो? क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन होगी कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, या ऐसा बोल लें कि जिस पर रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द सरफेस चली जाती है, सरफेस को छूती हुई चली जाती है, उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? यस अब अगर कोई हमसे कहे कि क्रिटिकल एंगल क्या आप निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे निकाल क्यों नहीं सकते हैं? निकाल लेंगे, हम सब कुछ निकाल सकते हैं दुनिया। निकालेंगे कैसे? यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है म्यू डेंसर इंटू साइन सी शुड बी इक्वल टू म्यू रेयर इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। तो यहां से मुझे मिल जाएगा साइन सी इज इक्वल टू म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। साइन सी इज इक्वल टू म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, ये क्रिटिकल एंगल आ गया। इसका मतलब आप एक चीज को समझ लीजिए कि मान लीजिए ये पानी होता और ये हवा होती, ये पानी होता और ये हवा होती, और एक बार ऐसे मान लीजिए कि एक ग्लास होता और ये हवा होती। तो रेयर मीडियम में दोनों केस में हवा रखा है, लेकिन डेंसर मीडियम एक बार ग्लास कर दिया एक बार पानी कर दिया, तो दोनों केसेस में क्रिटिकल एंगल अलग अलग आएगा, क्योंकि एक बार म्यू रेयर की जगह आप वन रखेंगे, म्यू डेंसर की जगह पानी का म्यू लगाएंगे, एक बार म्यू रेयर की जगह आप हवा का यूज करेंगे लेकिन डेंसर में ग्लास लगाएंगे। तो म्यू रेयर दोनों में सेम है लेकिन म्यू डेंसर अलग अलग है, तो क्रिटिकल एंगल भी अलग अलग होगा। इसलिए क्रिटिकल एंगल कभी भी एक मीडियम का नहीं होता। कभी भी हम ये नहीं बोलते कि क्रिटिकल एंगल एक मीडियम का है, हम हमेशा ये बोलते हैं क्रिटिकल एंगल एक पेयर का है। पेयर का मतलब एयर और वाटर का क्रिटिकल एंगल कुछ होगा, एयर और ग्लास का क्रिटिकल एंगल कुछ और होगा। क्या ये बात समझ पाते हो? तो दिस इज फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम। डाउट इसमें?
नो सर। नो सर। अबे की समझी ये डेंसर मीडियम है ये रेयर मीडियम। आपको फोटो याद होनी चाहिए पिछली फिगर की कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम हमने क्या किया था। आपने जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़ा दिया था कि रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द सरफेस ही जाने लग गई थी ऐसे करके, यानी कि एंगल आर कितना हो चुका था 90 डिग्री। इस एंगल को हमने क्रिटिकल एंगल नाम दिया। कोई समस्या वाली बात है? नो सर। मतलब यहाँ अगर हम देखें तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते 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 सी के बराबर ले आए हैं। अब मान लो मेरा मन नहीं भरा, मैंने कहा एक काम करता हूँ भाई साहब, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर देता हूँ। ऐसे कर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दिया, तो अब इस रे के पास बेचारी के पास ऑप्शन क्या है? देखो फील करो, पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, ऐसी हुई, ऐसी हुई, फिर अलोंग द सरफेस हो गई। अब तुमने आई सी से बड़ा कर दिया, तो अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लौट के इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। पहले ऐसी थी येलो, फिर ऐसी हुई, ऐसी हुई, फिर अलोंग द सरफेस हुई, लेकिन तुम माने नहीं, तुमने कहा मैं और बढ़ा देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अब ये लौट के उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। और क्योंकि ये उसी मीडियम में लौट आई, उसी मतलब डेंसर में गई थी, डेंसर में लौट आई, इसका मतलब एक्चुअली में अब इसका रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। क्या ये बात समझ पा रहे? यस सर। यस सर। ये फिनोमेना को हम लोग कहते हैं टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है तो ये लॉस भी कौन सा फॉलो करेगा? रिफ्लेक्शन के लॉस फॉलो करेगा, यानी कि ये एंगल आई के बराबर होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही? यस सर। तो टी आई आर की डेफिनेशन क्या है? टी आई आर की डेफिनेशन ये होगी कि जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डेंसर से रेयरर में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हो गया है बड़ा, तो उस केस में जो रे ऑफ लाइट होती है वो लौट के रिफ्लेक्शन फॉलो करना शुरू कर देती है, यानी कि डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाती है। इसी को हम लोग टी आई आर कहते हैं। क्या ये बात आप समझ पाए? यस सर। यस सर। कोई भी डाउट इसमें है तो बताइए। टी आई आर की कुछ एप्लीकेशन समझते हैं। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, आपको सारे समझने की जरूरत नहीं, पर कुछ एप्लीकेशन जो आप समझ सकते हैं उसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक लेक है, है? एक लेक का सरफेस है, लेक पानी की लेक है, इसका म्यू आपको पता है और बाहर हवा है, म्यू वन है, और यहां से आप देख रहे हैं, बाहर से आप क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। अब आपसे सवाल क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया कि मान लीजिए इस लेक से h डेप्थ नीचे एक बल्ब रख दिया, ये है एक बल्ब, ठीक है? आप सोचने वाली बात यह है कि इस बल्ब से जो लाइट निकलेगी वो किस प्रकार से दिखाई देगी जब हम ऊपर से देखेंगे इसको, तो हम कैसे सोचेंगे? हम ऐसे सोचेंगे कि भैया ये बल्ब जब लाइट एमिट करेगा तो इधर भी एमिट करेगा, 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 इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, 360 डिग्री में करेगा, हर तरफ करेगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। अब इसमें से ये वाली जो रेज है जो नीचे की तरफ जा रही है, ये तो वैसे ही बेकार है हमारे लिए, क्योंकि ये तो नीचे चली गई, ये तो बाहर आनी नहीं है, समझ आई? यस सर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है वो रेज जो ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है, जो रेज यहां से ऊपर की तरफ आएंगी ऐसे करके वो बाहर हम तक पहुंचने से पहले इस सरफेस पे रिफ्रैक्ट होके आएंगी, क्योंकि वो रेज सीधी सीधी थोड़ी आ जाएंगी, यहां पर रिफ्रैक्शन होगा। और अब मैं सोचूंगा कि यार
ये एयर है तो ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। इसका मतलब यहां से अगर कोई भी रे की बात की जाए तो ये वाली रे है, ये तो डेंसर से रेरर जा रही है। इसका मतलब जरूरी नहीं है ये बाहर आई जाए, जरूरी नहीं है ये बाहर आई जाए, क्योंकि इसका यहाँ पे हो सकता है क्या हो जाए, TIR हो जाए। अगर TIR हो गया तो इतने टकरा के वापिस आएगी इसी मीडियम। सही बात है? यस सर। कैसे सोचा जाएगा? देखो ऐसे सोचा जाएगा कि मान लो हमने एक लाइट रे लिया, ये वाला, ठीक है, फील करना है इसको, क्या ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है? यस सर। छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है? छोटा। छोटा दिख रहा है, तो ये रे तो बाहर आ गई, बोलो चलेगा? यस सर। ये वाली रे देखो जो थोड़ा और दूर जाके हिट करी, क्या ख्याल है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही है, बढ़ गया? बढ़ गया। लेकिन अभी मान लेते हैं कि इतना बड़ा नहीं हुआ है कि क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, तो ये रे बाहर आ गई, ऐसी चली जाएगी, बोलो मानते हो? यस सर। ये देखो अब मान लो कि ये क्रिटिकल एंगल हो गया, क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल। क्या ये मानते हो कि ये वाली ऐसे चली जाएगी? यस सर। एग्रीड? Agreed or not? Yes, sir. और क्या आप ये मानते हैं कि इसके बाद वाली कोई भी रे बाहर ही नहीं आएगी? Yes, sir. क्यों? क्योंकि इसके बाद की अगर कोई रे देखी जाए, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है। Yes, sir. इसका तो क्या हो जाएगा? Yeah, yeah. ये बाहर आएगी कि इधर ही लौट लेगी? अंदर लौट लेगी। अंदर ही लौट लेगी। समझ आई बात? यस सर। सोच के बताओ, ऐसा सिर्फ इस तरफ हो रहा है कि इस तरफ भी हो रहा है? दोनों और होगा। मतलब इस तरफ ये जो क्रिटिकल एंगल पे लाइट इंसिडेंट है, ये तो ऐसे जाएगी अलोंग द सरफेस, मानते हो आप इस बात को? मानना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल से दूर जो लाइट इंसिडेंट होगी, जो दूर ऐसे करके, वो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑब्वियस सी बात है सी से बड़ा होगा, तो ये तो टकरा के इधर वापस लौट देगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। आप सोच के बताओ बेटा, ये लेक के अंदर है तो सिर्फ इधर इधर होगा कि 360 डिग्री हर डायरेक्शन में होगा? हर डायरेक्शन। तो जो आपको यहाँ फील करना है वो ये फील करना है कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये एक्चुअल में ट्राइंगल बन रहा होगा कि कोन बन रहा होगा? सोच के बता। कोन। कोन। अगला सवाल, ये जो मैंने पिंक कलर की लाइन बनाई है, इसके अंदर जितनी भी लाइट रेज है, ये बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। तो 3D में क्या लिख रहा होगा? 3D में तो ऊपर से देखने में मुझे ऐसा लग रहा होगा ये जो पूरा कोन मैंने बना के आपको दिखाया है, यानी कि ये जो ऊपर से देखने को मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो सर्कल मैंने बना के दिखाया है आपको, ये वाला, ये मुझे इस पूरे सर्कल में से लाइट बाहर आती हुई दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी? यस सर। यस सर। ये इधर से लाइट बाहर आती हुई दिख रही होगी? नो सर। नो सर। नो सर। सर्कल कैसे बन गया 3D में, क्या ये बात समझ पाए? यस सर। बल्ब से लाइट सिर्फ ऊपर इधर उधर थोड़ी जाती है, ऐसे 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 ऐसे, तो पूरा ऐसे सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोल सकते हो, सिंपल इल्यूमिनेंस भी बोल सकते हो। मैं सिंपल अगर लैंग्वेज में लिख दूं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बोल सकते हैं। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है जो चीज चमक रही है, यहां से हमको ऊपर से देखने पे क्या आ रही है निकल के, जल्दी बताइए। लाइट आ रही है,
समझ आई बात? यस सर। अब इम्पोर्टेंट ये नहीं कि इसे कहते क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपसे पूछा क्या जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस सर्कल की, ये जो सर्कल है, इसकी रेडियस बताइए, इसका एरिया बताइए, इसकी सर्कमफेरेंस बताइए। तो आपको इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए कि सर अगर हम किसी तरीके से इसकी ये वाली रेडियस निकाल लें आर, तो फिर हम सब कुछ बता सकते हैं। इसका सर्कमफेरेंस भी बता सकते हैं 2πr, एरिया भी बता सकते हैं पाई आर स्क्वायर, सब बता सकते हैं। बोलो आया ना? यस सर। क्या करा जाए, थोड़ा दिमाग लगाया जाए। ये वाला एंगल कितना है बेटा? सी। तो क्या आप ये समझ पाए, ये भी सी होगा? यस सर। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल में टैन सी लिखिए, टैन ऑफ सी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि टैन सी आर बाय एच होगा? यस सर। बहुत अच्छी बात है, टैन सी आर बाय एच हो गया, बहुत अच्छी बात है। आप एक बात बताओ, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ाया था क्रिटिकल एंगल निकालने का, क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है साइन सी इज इक्वल टू, आ गया साइन सी इज इक्वल टू म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर, याद है फॉर्मूला? साइन सी इज इक्वल टू म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर, क्या ये बात मानते हो? यस सर। बताओ यहाँ पे देखिए, व्हाट इज म्यू रेरर? वन। वन पर म्यू डेंसर? म्यू, लेक का म्यू, समझ आई? यस सर। अब एक बात बताइए, लुक एट दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से अगर आपको लेक का म्यू पता है तो क्या आप साइन सी निकाल सकते हैं? यस सर। अगर आपको साइन सी पता है तो क्या आप टैन सी निकाल सकते हैं? यस सर। और एच, एच मतलब बल्ब की डेप्थ, अगर आपको पता है कि बल्ब कितने डेप्थ पर रखा हुआ है, अगर ये एच मुझे मालूम है तो क्या मुझे यहां से आर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यस सर। आर मिल गया तो रेडियस आ गई? यस सर। रेडियस आ गया तो सब कुछ आ गया, क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? सर जिनका ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, ये कुछ नहीं करते सर, ये भी तो नीचे टकराएंगे फिर ऊपर नीचे जाएंगे? हाँ बस, ये भी तो दिखेंगे फिर सर हमको, तो वो आएंगे तो इसी में से ना बाहर दिखेंगे, तभी तो बाहर आएंगे। यस सर। समझे? यस सर। अब देखो दूसरा एप्लीकेशन देखो, डायमंड या हीरा जिसे आप कहते हैं, वो बहुत ज्यादा चमकता है कि नहीं चमकता है? यस सर। सोच के बताइए, इफ अ डेंसर मीडियम इज केप्ट इन एयर, अगर एक डेंसर मीडियम को आप एयर में रख दीजिए, जैसे पानी को एयर में रख दीजिए, ग्लास को एयर में रख दीजिए, डायमंड को एयर में रख दीजिए, तो उसका क्रिटिकल एंगल अगर आप निकालने जाएंगे तो साइन सी हो जाएगा म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर। म्यू रेरर हो जाएगा वन क्योंकि एयर में रखा है, और म्यू डेंसर हो जाएगा म्यू उस मीडियम का जिस डेंसर मीडियम को आपने रखा है। क्या आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? यस सर। यस सर। यहां से मुझे क्या समझ में आता है, यहां से मुझे ये समझ में आता है कि इसका मतलब उस चीज का म्यू जितना ज्यादा होगा, उस चीज का म्यू जितना ज्यादा होगा साइन सी की वैल्यू उतनी कम होगी, और साइन सी की वैल्यू उतनी कम होने का मतलब क्रिटिकल एंगल भी उतना कम होगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। अब सोच के बताओ, क्रिटिकल एंगल कम होने का मतलब क्या है? क्रिटिकल एंगल कम होने का मतलब टी आई आर होने के ज्यादा चांसेस कि टी आई आर होने के कम चांसेस? ज्यादा चांसेस। ज्यादा चांसेस, क्योंकि क्रिटिकल एंगल अगर कम है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि टी आई आर होने की एक ही कंडीशन होती है भैया, मतलब एक कंडीशन तो है कि डेंसर से रेरर जानी चाहिए, लेकिन उससे अलावा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि डेंसर से रेरर जब जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए।
तो मान लो अगर क्रिटिकल एंगल 70 डिग्री है तो क्या आई बराबर 60 डिग्री पर टी आई आर हो जाएगा बच्चों? नो नहीं होगा, 40 पे हो जाएगा? नो सर। 72 पे हो जाएगा? यस सर। मतलब हर वो एंगल जो सी से बड़ा होगा उसी पे सिर्फ टी आई आर होगा, नहीं? यही बात समझ? यस सर। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल सिर्फ 10 डिग्री है तो आप बताओ 60 पे हो जाएगा? यस सर। यस सर। 40 पे? यस सर। 30 पे? यस सर। जितना क्रिटिकल एंगल छोटा होता है टी आई आर होने की संभावना उतनी ही ज्यादा। क्या ये बात समझ पाए? यस सर। अब दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइएगा। यहां से आपको समझाते हैं कि जो हीरा होता है, हीरा जो डायमंड जिसे आप कहते हैं, वो इतना चमकता क्यों है? क्यों डायमंड इतना चमकता है? क्यों डायमंड हमको इतना शाइन करता हुआ दिखता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। डायमंड का म्यू सबसे कम है दुनिया में, सबसे ज्यादा? ज्यादा। डायमंड का म्यू सबसे ज्यादा है, तो डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम? सबसे कम होगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। तो क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर, डायमंड एयर का जो पेयर है उसका क्रिटिकल एंगल लीस्ट होगा, क्या आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? यस सर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्रिटिकल एंगल सबसे कम क्यों है? क्योंकि म्यू क्या है? सबसे ज्यादा। अब आप समझ सकते हैं कि डायमंड में क्या होता होगा। मान लीजिए डायमंड है जो एयर में रखा हुआ है, सोच के बताइएगा आराम से दिमाग लगा के। ये एक रे ऑफ लाइट आई ऐसे करके, बताओ इसका टी आई आर हो जाएगा यहाँ पे? नो सर। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? टेरर से डेंसर में जा रहे, ये तो हवा से एयर से डायमंड में जा रही है, यानी कि रेयर से डेंसर में जा रही है। टी आई आर होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि डेंसर से रेयर में जाएगी, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब यहाँ तो इसे अंदर घुसने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, so that means, यहाँ तो ये अंदर घुसेगी घुसेगी, समझ आई? अब ये भी अंदर घुसी हुई यहाँ जाकर टकराई, तो क्या यहाँ टी आई आर होने की संभावना है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ अगर मैं नॉर्मल बनाऊ तो क्रिटिकल एंगल इसका बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? छोटा। डायमंड एयर का क्रिटिकल एंगल सबसे छोटा है, एक वैल्यू मान लो, एक वैल्यू मान लो क्रिटिकल एंगल की, मान लो क्रिटिकल एंगल 6 डिग्री, एक एंगल मान लिया, मान लो क्रिटिकल एंगल कितना है? 6 डिग्री। अब अगर ये एंगल 12 डिग्री भी हुआ तो क्या रे बाहर जाएगी कि टी आई आर हो जाएगा? टी आई आर हो जाएगा। तो अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है तो टी आई आर होने की संभावना है बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? ज्यादा है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो सी से बड़ा है, अगर सी से बड़ा है तो रे बाहर नहीं गई, रे का टी आई आर हो गया, टी आई आर होके यहाँ हिट करी। अब जब मैंने यहाँ नॉर्मल बना के देखा तो मैंने कहा यार ये वाला एंगल भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, फिर टी आई आर हो गया, ये ऐसे आ गई। मैंने कहा यार ये वाला एंगल भी टी आई आर क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, फिर रिफ्लेक्शन हो गया। मैंने कहा यार ये वाला भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, फिर रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि हर बार आप देख सकते हो कि रे डेंसर से रेयरर पे ही हिट कर रही है। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। तो होता क्या है, क्योंकि डायमंड का म्यू सबसे ज्यादा है इस वजह से उसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम है, और क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम है इसका मतलब एक बार लाइट रे उसके अंदर घुस जाती है तो क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है इसलिए लाइट का बार 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 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब वो लाइट डायमंड से बाहर निकल ही नहीं पाती बेचारी, तो लाइट एक बार अंदर घुसती है वो डायमंड से बाहर ही नहीं आ पाती है, जैसा आप देख रहे हैं उसका बार बार टी आई आर होता रहता है, वो इधर से टकरा के इधर, उधर से टकरा के इधर, से टकरा के इधर, उधर से टकरा के उधर, ऐसे बेचारी डायमंड के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है इसके अंदर। और जब वो लाइट इसके अंदर ऐसे करके फंस जाती है तो इसीलिए लाइट इसके अंदर ही फंसी रहती है, इसलिए हमको ये बड़े एकदम चमकता हुआ दिखता है, शानदार। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। वजह से डायमंड बहुत अच्छा चमकता है, वरना लाइट इसमें से बाहर निकल आती तो काम खत्म हो जाता। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई डाउट है सर?
सर जो इसमें है ना लाइट बाहर नहीं आ पा रही है, लेकिन सर हमें ना कोई भी जो भी थिंग्स होती है वो तभी दिखाई देती है जब उससे लाइट टकरा के हमारी आंखों तक आए। मैंने ये थोड़ी बोला कभी भी बाहर नहीं आए, कभी तो आएगी। यस सर, ये ऐसा मतलब बहुत इसलिए बोला ना बहुत बार टी आई आर के बाद आती। यस सर, समझ आया? बोलो बच्चों क्लियर है? यस सर। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस सर। अब देखो सर, एक चीज और थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके साथ। वैसे एक चीज हमने पहले आपको बताई है, बट फिर भी एक बार इसको अच्छे से लिख के बात करेंगे ना तो आपके दिमाग में रहेगी। लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहती है कि लाइट अगर किसी रास्ते के थ्रू जा रही है और आप उसमें से कहीं पर भी लाइट का रास्ता या लाइट का जो मुंह है उल्टा कर दीजिए, तो लाइट जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस आएगी। समझ गए बात? यस सर। कहने का मतलब जैसे पहले मैं मिरर में दिखाता हूं, मान लो ये प्लेन मिरर है, तो एक लाइट ऐसे आई टकरा के ऐसे चली गई, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि अगर मैं इसका मुंह उल्टा कर दूं, मुंह उल्टा करने का मतलब मैं इधर से लाइट फेंक दूं, मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी इसको इंसिडेंट रे बना दूं, तो ये जो इंसिडेंट रे थी ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, मतलब जिस रास्ते पे लाइट ऐसे गई थी अगर मैं इधर से उल्टा कर दूं तो उसी रास्ते पे लाइट वापस जाएगी। समझ आई बात? यस। जैसे अगर आप रिफ्रैक्शन की बात कर लें तो मान लीजिए बहुत सारे मीडियम है, लाइट ऐसे आई फिर रिफ्रैक्ट होके ऐसे गई फिर ऐसे गई फिर ऐसे गई और फिर ऐसे चली गई, है ना? लाइट ऐसे जा रही बार बार रिफ्रैक्ट होके, तो किसी का मन अगर किया उसने क्या कहा, उसने कहा ये थी इंसिडेंट रे, ये थी फाइनल इमरजेंट रे, उसने कहा इसे इंसिडेंट रे बना दो, मतलब इधर से लाइट फेंक के मार दो, तो लाइट यही रास्ता पकड़ते हुए वापस जाएगी। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या ये बात समझ पाते हैं? यस यस सर। गुड डाउट? नो सर। अब देखिए लास्ट क्लास में जब आपने प्रिज्म पढ़ा था उस प्रिज्म के बेसिक्स आपने पढ़ लिए थे, ठीक है? अब आपको पढ़ने हैं स्पेशल केसेस, 5 या 6 स्पेशल केसेस की बात हम लोग करेंगे, और वो स्पेशल केसेस पढ़ने के लिए आपको TIR का कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आने चाहिए थे, तब जाके आप इसको पढ़ पाए। तो स्पेशल केसेस ऑफ प्रिज्म हम शुरू करेंगे। अब 6 केसेस हैं, आराम से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। क्या हमने लास्ट क्लास में कोई केस के बारे में बात करी थी अभी आपसे? नो सर। थोड़ा सा प्रिज्म का रिविजन मैं आपको देता हूँ, आपको याद हो एक ट्राइहेड्रल प्रिज्म हमने लिया था, या एंगल ऑफ प्रिज्म था, इधर से लाइट फेंक के मारी थी, दिस वाज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ऐसे गई थी, ये R1, R2, E, याद आ रहा है? यस सर। एंगल ऑफ डेविएशन याद है कैसे मार्क किया था मैंने, तुझे याद आया? यस सर। मैंने ऐसे मार्क किया था कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती। यस यस सर। और क्योंकि ये प्रिज्म है इसकी वजह से लाइट कुछ ऐसे गई है, सही बात है? यानी कि इतना एंगल क्या कर रही है? डेविएट। क्या ये बात समझ आई? यस सर। आपने दो फॉर्मूले डिराइव किए थे,
तो शायद अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आर वन प्लस आर टू बराबर ए एंड डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए। डाउट है क्या? नो सर। पक्की बात है? यस सर। बोले यार? यस सर। ठीक है, अब एक काम करो। यहां से देखो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो तुम्हें समझ में आता है वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मुझे ये कहता है कि अगर मैं लाइट को इधर से फेंक के मारता तो लाइट यही रास्ता लेके जानी चाहिए थी। यस सर। इसका कहने का मतलब कि अगर मैं इस एंगल ऑफ इमर्जेंस को एंगल ऑफ इंसिडेंस बना देता, क्योंकि जब मैंने इधर से फेंक के मारा इसका मतलब ये जो ई है ये मेरा आई बन गया है, तो ऑटोमेटिकली ये आई मेरा ई बन जाता। क्या ये बात समझ पाए? यस सर। आर वन बन जाता आर टू, आर टू बन जाता आर वन। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब अगर कोई मुझसे कहे कि भैया एक काम करो, अब जरा एंगल ऑफ डेविएशन डिफाइन करो, बेसिक डेफिनेशन से चलना, बेसिक डेफिनेशन से, तो मैं कहता चल को अभी करता हूं डिफाइन। मैं कहता यार अब अगर मैंने इधर से फेंक के मारा है तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट इस रास्ते पे जा रही थी। डू यू अग्री? यस सर। और प्रिज्म के होने की वजह से लाइट गई तो इस रास्ते पे, ऐसे गई है ना? Yes, तो कितना एंगल डिविएट हुई? जा ऐसे रही थी, गई ऐसे है, तो क्या ये बोलना बिल्कुल सही होगा कि लाइट कितना एंगल डिविएट हो गई है? Yes, sir. और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है दोनों, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कैन यू सी दिस? यस सर। इसका मतलब डेल्टा पाई की वैल्यू क्या है? सेम सेम है। यहां से हमको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई कि There are two angles of incidence for which we get same value of delta. एक angle of incidence नहीं होता, ऐसे दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंस होते हैं जिसके लिए डेल्टा की सेम वैल्यू आती है। वो कौन से दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंस है? एक एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आई है और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ई। मतलब अगर आई पे डालने पे ई इमरजेंस एंगल आता तो तुम, क्योंकि इमरजेंस एंगल आया उस पर डाल दोगे अगर, तब भी उतना ही डेल्टा तुम्हें मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। फॉर्मूले से भी क्लियर हो रही है? फॉर्मूले से कैसे क्लियर हो रही? देखो डेल्टा कितना है? आई प्लस ई माइनस ए है डेल्टा। और फॉर्मूला ये बता रही है कि अगर मैं ई को आई बना दूं, मतलब मैं ई को आई बना दूं, तो इस फॉर्मूले में ई की जगह आई आ जाएगा। उन्होंने ये बात समझ में? यस सर। और अगर ई की जगह आई आ जाएगा तो आई की जगह क्या आ जाएगा? ई। आई प्लस ई माइनस ए लिखो चाहे ई प्लस आई माइनस ए लिखो, डेल्टा दोनों में सेम ही आ रहा है। यस सर। वो कौन से दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंस है? वो कौन से दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंस होते हैं? वो दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंस होते हैं आई और ई। डेल्टा की वैल्यू सेम। क्या ये बात समझ पाया? इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। पहला केस, एंगल आई 90 डिग्री, पूछा एंगल ई बताइए कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आता है? यस सर। एंगल आई कितना है? 90 डिग्री। क्या बताना है? एंगल ई। एंगल आई 90 डिग्री का मतलब क्या? रे डायग्राम कैसे बने? रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि ऐसे रे आएगी, ये नॉर्मल होगा और इस नॉर्मल से ये एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। क्या आप ये बात मानते हो? यस सर। कोई सवाल आ रहा है इसको फिगर को देख के मन में?
कोई सवाल नहीं आ रहा? तो फिर मैं पूछ लेता हूं सवाल। ये सवाल आपके मन में आना चाहिए ना कि सर अगर ये प्रिज्म है और आप कह रहे हो एंगल आई 90 है, एंगल आई 90 का मतलब रे ऐसे आ रही छूती हुई, रे ऐसे छूती हुई आएगी तभी तो एंगल 90 होगा। बोलो ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। बट सवाल ये है कि सर अगर ये रे ऐसे छूती हुई आ रही है तो फिर प्रिज्म के अंदर जा ही क्यों रही है? ये तो ऐसे छूते छूते चली जानी चाहिए बाहर। नहीं यही बात समझ? यस सर आई। तो जब हम कहते हैं कि एंगल आई 90 है इसका मतलब ये नहीं होता कि एंगल आई एग्जैक्टली 90 है। अगर आप एग्जैक्टली 90 कर दोगे तो रे प्रिज्म में जाएगी नहीं। 90 का मतलब होता है 89.9 डिग्री। समझ आई बात? यस सर। यानी कि ये जो रे आपने बनाई है बिल्कुल ऐसे छूती भी नहीं आती, इसका थोड़ा सा एंगल ऐसा होता है। ये जो नॉर्मल से एंगल बनाती है पूरा 90 नहीं होता, 90 से थोड़ा सा कम होता है तभी तो अंदर घुसेगी यार, वरना अंदर ही नहीं घुसेगी। समझ आया? यस सर। यस सर। तो ये 90 हो गया, मतलब कहने को 90 हो गया। तो रे कुछ ऐसे चली जानी चाहिए। और हमारा जो सवाल है, जो सवाल हमारे सामने रखा गया है, वो सवाल ये रखा गया है भैया कि अगर एंगल आई 90 है तो ये बताइए कितना होगा म्यू। आपको प्रिज्म का पता है और बाहर का म्यू है 1। म्यू आप जानते हैं प्रिज्म, राइट? क्वेश्चन ये है एंगल आई 90 है, एंगल ई निकालना है। तो ये रहा एंगल ई, ये आपको प्राप्त करना है। क्या करेंगे आप? चलिए दिमाग लगाइए और सोच के बताइए ये एंगल कितना होगा। इसे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। बिना स्नेल्स लॉ लगाए बता, मैं देखना चाहता हूँ कितना अच्छा सीखा तुमने। So sin R1 equals to 1 by mu. Beta is critical angle over. आप सोचो क्यों होगा? Yes sir, उल्टा कर देंगे तो। Principle of reversibility सिखाया था अभी? Yes sir. अगर ये रे ऐसे जा रही है इसका मतलब ये है कि अगर ये रे ऐसे आ रही होती तो ऐसे जाती? Yes sir. ऐसे आके ऐसे जाने का मतलब angle of refraction 90 हो जाता? Yes sir. और ऐसे जाने का मतलब डेंसर से रेयरर जा रही है? यस सर। डेंसर से रेयरर जाते वक्त जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है वही तो क्रिटिकल एंगल होता है। यस सर। ये सी होगा, बिना कुछ कैलकुलेट किए बताया जा सकता है। कोई समस्या? नो सर। अब अगर ये सी होगा तो ये कितना होगा बेटा? ये होगा ए माइनस सी। ए माइनस सी क्यों होगा समझ पाए? यस सर। क्योंकि पहले ही हमने पढ़ लिया है कि R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है? A। ये दोनों मिलके A के बराबर होते हैं तो A माइनस C हो जाएगा। So far so good। Yes sir। अब ये आपको A माइनस C पता चल गया, आपको E निकालना है, तो उसके लिए क्या आप यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं? Yes sir। आपको मिलेगा म्यू इंटू साइन ऑफ इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ E। डू यू अग्री? Yes, sir. अब इसको सॉल्व कैसे करें? क्योंकि बेटा ये जो a माइनस सी है, मान लो a माइनस सी है, अब मान लो c 30 डिग्री है, a 60 डिग्री है, c 30 डिग्री है, a 60 डिग्री है, तब तो a माइनस सी 30 डिग्री बन जाएगा और साइन 30 की वैल्यू सीधे सीधे तो इसमें पुट कर दोगे e आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर मान लो ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं बन रहा है, a और c कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं बना पा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं बन रहा है, तो क्या करोगे उस केस में? क्या करोगे? इसको खोल दो, म्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी। क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है? साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से लिखा जा सकता है कि नहीं? यस सर। अब सवाल यह है कि देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। क्या मुझे म्यू पता है? यस सर। साइन ए पता है? यस सर।
cos A. Yes, sir. Sin C. No, sir. Sin C भी पता है. कैसे पता है? Sin C का फॉर्मूला था mu rarer upon mu denser. What is mu rarer here? One. What is mu denser? Mu. Mu तो पता है, तो sin C भी पता है. Yes, sir. Sin C भी पता है. और अगर sin C पता है तो आई होप इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए कि sin C से क्या निकाल सकते हो? Cos C. Sin C से cos C निकाल लेते हो? नहीं. Yes, sir. ट्रायंगल बना के कर लोगे इतना काम? Yes, sir. Sin C पता है तो cos C भी पता है. Yes or no? Yes, sir. जब सब कुछ आपको पता है, सारी वैल्यू उठा के इसमें डाल दिया जाएगा, आपको सीधे सीधे साइन की वैल्यू मिल जाएगी. अब साइन की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू मिल रही हो आपको, सीधे सीधे एंगल मिल जाएगा. नहीं मिल रही हो तो साइन इनवर्स में लिख के छोड़ दे. समझ आई बात की नहीं आई? यस सर. गुड आउट. नो सर. ऑल्सो इस केस में एक चीज याद रखनी होती है, इंपॉर्टेंट चीज. वो क्या होती है? वो होती है ये कि अगर कोई बच्चा का एंगल ऑफ डेविएशन मार्क करो, क्या मार्क करो? एंगल ऑफ डेव. तो मैं क्या बोलूंगा? रे कैसे जा रही थी? रे कैसे जा रही थी? रे ऐसे जा रही थी, सही है? और रे फाइनली गई ऐसे है. बोले मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर. तो क्या यही एंगल ऑफ डेविएशन हुआ? बोल बेटा. यस सर. दिस इज मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन. इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन आता है वो मैक्सिमम होता है, आप इसको याद रखेंगे. तो कब होता है एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम? जब एंगल आई 90 डिग्री होता है. तो अगर मुझसे कोई कहे कि डेल्टा निकालो, तो मैं कहूंगा डेल्टा का वैल्यू होता है आई प्लस ई माइनस ए. तो डेल्टा मैक्सिमम अगर मुझे निकालना होगा, आई तो 90 है प्लस ई. ई कहां से आएगा? ये जो ई यहां से निकाला है ये उठा के इसमें रखोगे और ए की वैल्यू तुम्हें पता होगी, इससे जो डेल्टा निकल के आएगा वो मैक्सिमम डेल्टा होगा, मैक्सिमम डेविएशन दैट कैन बी पॉसिबल. एनी प्रॉब्लम्स? नो सर. नो सर. कोई डाउट है? जल्दी बोलो, कोई डाउट है? नो सर. नो सर. पक्की बात? यस सर. यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? No, sir. No, sir. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट केस. फाइंड अ कंडीशन फॉर विच ray does not come out of second surface. यानी कि हमसे कहा गया कि ऐसी कंडीशन के बारे में सोच के बताइए, ये है कि अगर मैं लाइट को किसी भी उस पर फेंक के मारूं, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर फेंक के मारूं, तो वो ऑब्वियसली ये आपका सरफेस नंबर वन है जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये है सरफेस नंबर टू जहां रिफ्रैक्शन होता है. तो वो इस सरफेस से बाहर ना है, इस वाले सरफेस से बाहर ना. फाइंड द कंडीशन फॉर विच रे डज नॉट कम आउट ऑफ द सेकंड सरफेस. यहां से बाहर ना आने का क्या मतलब है? यहां से बाहर ना आने का मतलब क्या है? कि यहां पर उसका TIR हो जाए, यहां से टकरा के वापस लौट जाए, बाहर ना आए. क्योंकि यहां तो TIR हो ही नहीं सकता, समझो.
यहां TIR हो ही नहीं सकता क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है, रेयरर से डेंसर, TIR का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां से तो अगर रे आएगी तो उसे अंदर घुसना ही घुसना है, क्या ये बात समझ पाए? यस सर। और यहाँ TIR का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, ग्लास से एयर की बात हो रही है, ग्लास से एयर, डेंसर से रेयरर, तो यहाँ TIR। तो अब आप सोचिए एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकते हैं कि रे सेकंड सरफेस से बाहर नहीं आएगी। सोच के दिखाइए, सोचिए, 5 मिनट का वक्त दे रहा हूं। चलो एक बार बता दें, ये कितना है? आई। तो ये कितना है? R1। ये मानते हो कि जितना मैं आई को बढ़ाऊंगा R1 बढ़ेगा? यस सर। तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? सर जब आई 90 हो। जब आई मैक्सिमम हो? यस सर। तो आई अगर मैक्सिमम होगा तो तब हमको R1 की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। I की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 90। तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? C। ये अभी पीछे देखा, जब I 90 होता है तो C होता है। Yes sir। R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? C। अब कंडीशन मिल गई मुझे, इसका मतलब अगर A 2C से बड़ा है, किससे बड़ा है? किससे बड़ा है? 2C। तो ये बात की गारंटी होने जा रही है कि रे यहां से बाहर नहीं आएगी, क्या समझ में आया? नहीं आया। ये क्या है, किससे बड़ा है? 2C। ये होता क्या है? R1+R2, यानी कि R1+R2 2C से बड़ा है, बोलो ना, यही बात समझ में? यस सर। बेटा ये जो सम है R1 और R2 का, ये 2C से बड़ा है, यहां तक क्लियर है? यस सर। जिसमें से मुझे पता है कि R1 हद से हद कितना हो सकता है? सी। मतलब ये जो सम है ये ट्वाइस ऑफ सी से बड़ा है, और ये R1 हद से हद सी ही हो सकता है, ये सी से ज्यादा हो नहीं सकता। तो टोटल सम 2C से बड़ा होने के लिए क्या ये बात समझ में आती है कि जो R2 है इसको हमेशा सी से बड़ा होना पड़ेगा? यस सर। यस सर। R2 को अगर हमेशा C से बड़ा होना है, इसका मतलब क्या है? ये जो R2 है ये हमेशा C से बड़ा है, और अगर R2 हमेशा C से बड़ा है इसका मतलब यहाँ पे TIR हो रहा है, बात खत्म। और नई बात की नहीं है। यस सर। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज दैट A शुड बी ग्रेटर देन 2C। क्या ये बात चमकी नहीं चमकी? यस सर। थर्ड केस देखिए, केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन की बात तो हमने कर ली थी, जब I90 होता है तो मैक्सिमम डेविएशन होता है, क्लियर है? यस सर। अब देखते हैं मिनिमम डेविएशन का क्या फंडा। तो बेटा मिनिमम डेविएशन में ये ए है, ये आई है। मिनिमम डेविएशन की जो सबसे खास बात होती है वो होती है कि मिनिमम डेविएशन पे R1 और R2 दोनों बराबर हो जाते हैं, और दोनों हो जाते हैं a/2। a/2 तो हो ही जाएंगे क्योंकि दोनों का सम ए के बराबर है, R1 और R2 दोनों बराबर हो जाते। अब अगर R1 और R2 दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब अगर आप फिगर दिखाएं तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि सर ये एंगल भी R हो गया है और ये एंगल भी R हो गया है। तो यहाँ लिखते टाइम आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि R1=R2=R which is equal to a/2, दोनों एंगल बराबर हो गए, क्या बात समझ में आती है? यस सर। और स्नेल्स लॉ फिर मुझे ये कह देता है कि जो इधर का एंगल I है और जो इधर का एंगल E है, ये दोनों भी बराबर जाने चाहिए। यस सर।
मतलब आई और ई भी क्या हो जाना चाहिए इक्वल. तो इसी को कहते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन. लेकिन एक्चुअल कंडीशन ऊपर वाली होती है. दिस इज द एक्चुअल कंडीशन कि जब आर वन और आर टू बराबर हो जाते हैं तब मिनिमम डेविएशन आता है. उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पर, उसके नतीजे के तौर पर आई और ई भी बराबर होते. क्या ये बात समझ में आएगी? यस सर. यानी कि अगर अपन इस केस में डेविएशन मार्क करेंगे, कैसे मार्क करेंगे? अपन बोलेंगे रे ऐसे जा रही थी, गई ऐसे. ये जो डेविएशन है दिस इज डेल्टा मिनिमम, ये मिनिमम डेविएशन है. इससे कम डेविएशन पैदा नहीं हो सकता. क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर. अब यहां से अपन एक फॉर्मूला बनाएंगे. फॉर्मूला क्या बनाएंगे? डेल्टा होता है आई प्लस ई माइनस ए, लेकिन डेल्टा मिनिमम हो जाएगा आई प्लस आई माइनस ए. क्योंकि जब मिनिमम डेल्टा है तो आई और ई दोनों बराबर है, ई की जगह भी आई लिखा जाता है. दिस इज टू आई माइनस ए. यहां से आई हो जाएगा ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन टू. ये तो आई आ गया. सिमिलरली जो आर है वो हो जाएगा ए बाई टू. ये तो मुझे समझाना ही नहीं चाहिए कि क्यों हुआ. अब अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगा दूं, इस जगह पर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं, तो स्नेल्स लॉ कहता है कि 1 into sin i should be equals to mu into sin r. That means mu should be equal to sin of i plus sin of r. That means mu should be equal to sin of I can be written as A plus delta minimum by 2 divided by sine of A by 2. इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अगर आपको प्रिज्म का एंगल पता है A और मिनिमम डेविएशन का एंगल पता है डेल्टा मिनिमम, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. इसे बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला. क्या बोलते हैं वाला? प्रिज्म फॉर्मूला. क्या कोई दिक्कत है? नो सर. तो देखिए यहां से जो चीज आपको भी पढ़ाई गई अब तक उसी चीज को हम आपको ग्राफिकली भी दिखा देते हैं. अब अगर आप एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ. डेल्टा वर्सेस आई मतलब एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंस ये कुछ ऐसा ग्राफ आता है. समझ आई बात? यस सर. इसमें ये वैल्यू कितनी होती है? 90. जिसपे आपको ग्राफ पे दिख रहा है डेल्टा की कौन सी वैल्यू मिल रही है? मैक्सिमम. क्या यहां तक बात समझ में आई? यस सर. देखो दूसरी चीज, किसी भी एक जनरल डेल्टा की वैल्यू, किसी भी एक जनरल डेल्टा की वैल्यू ग्राफ पर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ रही है कि दो पे आ रही है? दो पे. इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी वैल्यू डेल्टा ही आ रही है और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी वैल्यू डेल्टा ही आ रही है. और क्योंकि अब हम पढ़े लिखे बच्चे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू आई है और ये उसके करस्पॉन्डिंग वाला ई है, क्योंकि आई और ई दोनों पे ही डेल्टा सेम आता है. समझ आई बात? यस सर. यस सर. अब हमें इस ग्राफ से दिख रहा है कि ये जो डेल्टा की मिनिमम वैल्यू है ये दो पे नहीं आ रही है, क्योंकि एक्चुअली कोई भी डेल्टा तो दो पे आता है सेम, लेकिन डेल्टा मिनिमम तो एक ही पे आ रहा है. वो एक्चुअल में एक भी नहीं आ रहा, वो दो पे ही आ रहा है आई और ई. लेकिन अभी हमने बताया कि मिनिमम पे आई और ई दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल. वही आई भी है वही ई भी है, तो ग्राफ पे तो एक ही वैल्यू दिखेगी. समझ आई बात की नहीं आएगी? यस सर. यस सर. दिस इज द वेरिएशन ऑफ डेल्टा विद एंगल ऑफ इंसिडेंस. कोई दिक्कत वाली बात? नो सर. बोलो पक्की बात है? यस सर.
बताइए क्या लिखा हुआ है? As a becomes smaller. जैसे जैसे a क्या होता है? छोटा. समझिए. As a becomes smaller, this cone becomes flatter. मतलब अगर मैं प्रिज्म का एंगल छोटा कर दूं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. समझ आई? Yes sir. फ्लैट हो जाएगा. कोई दिक्कत? No sir. और छोटा कर दूं, और फ्लैट हो जाएगा. और अगर मैं a को बहुत छोटा कर दूं, बहुत ही लड्डू, तो ये ग्राफ अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन या फ्लैट लाइन की वैल्यू ले लेता है, यानी कि डेल्टा में चेंज ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर. ये याद रखेंगे आप इस बात को. क्लियर है ये बात? यस सर. ठीक है, अगला स्पेशल केस देखिए. डेल्टा for a very small angled prism. Delta for a very small angled prism. यानी कि एक ऐसा prism जिसका angle of prism 10 degree है, उससे भी छोटा है. यानी कि एक बहुत ही छोटे angle of prism, इस तरीके का एक prism आप imagine कर सकते हैं A, जहां पर A 10 degree है, उससे छोटा है. इसके लिए आपको delta calculate करना. बोलिए बात समझ में आती है? Yes, sir. तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि भैया म्यू बराबर होता है साइन ऑफ, ठीक है सर? नो सर. ये क्या है बेटा, ये बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? छोटा. तो बेटा अगर बहुत छोटा एंगल है तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा बराबर थीटा होता है. यस सर. उसको ऐसे लिख सकते हो. एक उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो. तो यहां से आपको मिल जाएगा डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ए म्यू माइनस ए, यानी कि म्यू माइनस वन इंटू ए डेल्टा मिनिमम. क्या ये बात समझ में आई? यस सर. नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये तो डेल्टा की मिनिमम वैल्यू निकल के आई, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे थे इसमें तो डेल्टा मिनिमम होता था, तो ये तो डेल्टा की मिनिमम वैल्यू निकल के आई. क्या मैं इसको जनरलाइज करके बोल सकता हूँ कि सारे डेल्टा की वैल्यू यही होगी? यस सर. यस, बोल सकता. मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई भी डेल्टा यही हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अभी पीछे मुझे ये बताया गया है कि जब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा होता है तो ये ग्राफ अप्रोक्सीमेटली एक फ्लैट या स्ट्रेट लाइन ले लेता है. तो आप कोई भी जनरल डेल्टा निकालें या उसका मिनिमम डेल्टा निकालें, उसमें जो डिफरेंस होगा वो बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा. यानी कि सारे डेल्टा अप्रोक्सीमेटली सेम ही माना जा सकते हैं. तो जो मिनिमम है वही अप्रोक्सीमेटली सारे डेल्टा की वैल्यू है. क्या ये बात समझ में आई? यस सर. इसलिए हमने निकाला तो डेल्टा मिनिमम है, पर वो एक्चुअली डेल्टा के बराबर है. कोई दिक्कत? नो सर. तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा टू कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन द प्रिज्म विल बी वेरी वेरी स्मॉल. क्या आपको सारे केसेस यहाँ तक समझ में आ रहे हैं? यस सर. इतना सब डाउट है तो बताओ. करके दिखाइए. एक प्रिज्म दे रखा है, उसका एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री दे रखा है, म्यू रूट 2 दे रखा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है. ई कैसे निकालेंगे? ध्यान से बच्चों, सर साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 बाय 2. साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 बाय 2. चलो देख लेते हैं. ये वाला एंगल कितना होगा? सी. सी होगा. तो ये वाला कितना होगा?
माइनस सी, सिक्स टी माइनस सी, और ये अपने को चाहिए। यस सर। तो यहाँ पे लगा देता हूँ स्टेंस लॉ, तो म्यू म्यू हो गया रूट टू इनटू साइन ऑफ 60 माइनस सी इज इक्वल टू 1 इनटू साइन, यही किया है। यस सर। अब ये ऐसे तो दिख नहीं रहा स्टैंडर्ड, तो बताया था जब ऐसा दिखे तो खोल दिया। साइन 60 कॉस सी माइनस कॉस 60 साइन सी इज इक्वल टू साइन ई। लेट अस सी, क्या हमें साइन सी पता है अलग से? तो साइन सी होता है म्यू रेयरर फॉर म्यू डेंसर, तो साइन सी वाकई में पता है भाई था 1/√2। और ये मुझे ये भी बता रहा है कि सी कितना है 45 डिग्री का। अब तो मेरा काम बन जाएगा, बता साइन 60 हो गया रूट 3/2 इंटू कॉस सी, सी 45 है 1/√2 माइनस कॉस 60 1/2 इंटू साइन सी 1/√2 साइन ई। यहाँ से आप लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू साइन ई, रूट टू काट देंगे ये आ जाएगा साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। बोलो बच्चों क्या ये बात समझ नहीं? इतना क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। डेल्टा निकाल सकते हैं इस केस का? यस सर। 90 प्लस साइन इनवर्स माइनस 60 आंसर हो जाएगा 30 प्लस साइन इनवर्स। और हमें ये भी याद होना चाहिए कि ये डेल्टा की कौन सी वैल्यू होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम क्योंकि एंगल आई 90 डिग्री दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा। कोई दिक्कत कोई समस्या? नो सर। जो भी आज पढ़ा है क्लियर है अच्छे से? यस सर। आज के लिए इतना ही।